अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 वाले बच्चे लोगों को अकाउंटेंसी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करा दे रही हूँ। ये सीबीएसई और जैक दोनों बेस्ड के लिए, दोनों के लिए है। तो आई होप आपने भी बहुत सारे चैप्टर्स जो है वो प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो लास्ट टाइम में जो होता है वो बहुत सारे बच्चे लोग करते हैं कि सारा क्वेश्चन को ही रिवीजन करने लगते हैं, तो मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दे रही हूँ। आप सिर्फ वही क्वेश्चन को बना के जाइएगा तो आप अपने अकाउंट्स में 90 प्लस स्कोर करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो एक चैप्टर है, उसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना है जो कि आप लोग का एग्जाम में आ रहा है। पूरी मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं जो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के आए और आपसे नहीं बन रहा है, तो गलत बनाने का जरूरत नहीं है। आप उसको थ्योरी भी क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आप थ्योरी बनाना चाहते हैं तो आप एक व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये मीनिंग इसका अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बुक में भी इसका आंसर दिया हुआ है तो आप इस आंसर को लिख सकते हैं। कुछ इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, फीचर्स हो गए, दूसरा पॉइंट आप हो गया, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पढ़ लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा आपका हो गया मीनिंग ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं आपसे। डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट्स का मीनिंग, व्हाट इज रिसिप्ट या व्हाट इज पेमेंट, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। और ये कैश बुक और रिसिप्ट और पेमेंट का डिफरेंस है, आप डिफरेंस इसी पैटर्न से लिखिएगा। पहले बेसिक, डेट, इंट्री, पीरियड, इंस्टीट्यूशन, नेज, फॉलो साइड। बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो है पैराग्राफ बना के लिख देते हैं, उस टाइप से नहीं लिखना, आपका जो मार्क्स है वो कट जाता है। इसलिए आपको कॉलम बनाकर और ये बेसिक डिफरेंस शो करके इस टाइप से करिए तो आपको अच्छा मार्क्स जो है वो स्कोर हो जाएगा। और देखिए सबसे मेन बात, ये मैं आप लोग को लिखवाई भी हूँ और ये आप लोग के बुक में भी दिया हुआ है। ये फॉर्मेट बोल देता है 20 मार्क्स या फिर 16 मार्क्स का या फिर 12 मार्क्स का, जैसा भी, कि प्रिपेयर करी इमेजिनरी फिगर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये सब आपको क्वेश्चन इतना बार बनाए होंगे कि आपको याद हो गया होगा वर्ड, तो आप बस इसको एक इमेजिनरी फिगर के जैसा शो कर दीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग आ सकता है। टाइप्स ऑफ डोनेशन, डोनेशन कितने तरह का होता है ये पढ़ लीजिएगा आप। लेगेसी क्या होता है वो पढ़ लीजिएगा, ये वाला पॉइंट। ये एंट्रेंस फी और एडमिशन फी क्या होता है ये पढ़ लीजिएगा। और एक एंडोमेंट फंड क्या होता है वो पढ़ लीजिएगा। एक बात इज लाइफ मेंबरशिप फी, ये भी आता है क्वेश्चन। और एक स्पेशल फंड, ये क्या है। फिर आपको इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस पता है, नहीं पता है तो बुक में आपको गिवन है। देखिए इसमें से आप सिर्फ कुछ 6 या 7 पॉइंट लिखिएगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं टिक कर दी हूँ। और आपको ये सब पॉइंट नहीं पसंद, आपको जो पसंद आप वो याद कर लीजिएगा। और उसके बाद लास्ट में आप एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ये इमेजिनरी फी फॉर्मेट बोल सकता है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पे हम लोग का जो भी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन था एनपीओ का, वो मैं आप लोग को क्लियर कर दी। जो बच्चे थ्योरी लिखेंगे उसके लिए लॉन्ग क्वेश्चन बता दी, शॉर्ट क्वेश्चन तो दोनों के लिए है। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन जो है वो मैं बता दे रही हूँ आप लोग को। और एक 2 आप पढ़ लीजिएगा, जिसके पास ये बुक नहीं है वो आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन ये पढ़ लीजिएगा,
वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 33 एक क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है बस। ये फंड ये जो है फंड बेस्ड अकाउंटिंग ये भी आपका ख़त्म हो गया। एक फिर प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद एडजस्टमेंट में एक क्वेश्चन नंबर ये 7 पढ़ लीजिएगा और एक क्वेश्चन नंबर 11 का सी बस और एक 12 का ए और एक ये 13 नंबर और एक 15 नंबर और एक 16 नंबर हो गया। अगर यहाँ पे एक 17 नंबर 19 नंबर 20 नंबर 22 पढ़िएगा जिसमें सिर्फ मैं बोल रही हूँ वही क्वेश्चन बनाना है। फिर एक 23 24 27 32 34 36 37 बस क्वेश्चन नंबर 37 लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए गिन के 10 क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर से आपको 10 क्वेश्चन बनाना है प्रैक्टिकल में। थ्योरी में आपको 3-4 क्वेश्चन दी हूँ मैं वो और शॉर्ट क्वेश्चन दे दी हूँ वो बना लीजिएगा। ट्रू फॉल्स जो है वो जरूर से भी पढ़ लीजिएगा एग्जाम एक दिन पहले। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं कि क्वेश्चन चलो रिवीजन करना है तो पूरा क्वेश्चन 1 से लेके 50 क्वेश्चन है बुक में तो 50 क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। तो ऐसे क्या होता है आप शुरू का 10 क्वेश्चन बनाते हैं उसके बाद आपको लगता है हाँ आप तो बन ही जाएगा क्योंकि शुरू वाला तो ईजी क्वेश्चन रहता है उसके बाद हार्ड क्वेश्चन रहता है और आप हार्ड क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो ऐसा गलती नहीं करिएगा। मैं आपको जो क्वेश्चन सजेस्ट की हूँ सिर्फ आप वो क्वेश्चन बना के जाइए आप अपना देखिएगा आप कितना अच्छा स्कोर करते हैं एग्जाम में। तो चलिए एनपीओ में मैं आपको प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों क्वेश्चन बता चुकी हूँ। तो ये चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। मैंने ये क्वेश्चन को जरूर से अटेम्प्ट करके जाइएगा ओके स्टूडेंट। चलिए बाय।